हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इन हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने कंप्यूटर में डिस्प्ले सेटिंग कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो डिस्प्ले है वो अभी पूरी नहीं आ रही है। हम यहाँ पे कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ की डिस्प्ले नहीं आ रही है इस साइड की, और इस साइड की डिस्प्ले नहीं आ रही है। तो इसे कैसे ठीक करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जान लीजिए कब होता है। ये तब होता है जब आप कुछ सेटिंग छेड़ देते हैं, और ये चीज़ तब भी होती है जब आप अपना मॉनिटर यानी अपनी जो एलसीडी है उसे चेंज करते हैं। यहाँ पर हमने अपनी एलसीडी चेंज करी थी, जिसकी वजह से ये पुराने वाले एलसीडी के हिसाब से सेट हो रखा है, तो हमें इसे इसके हिसाब से सेट करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले विंडो की दबानी है अपने कीबोर्ड से, और यहाँ पर आपको सर्च करना है सेटिंग। सेटिंग सर्च करिए, इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिस्टम। सिस्टम पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ मिल जाएगा डिस्प्ले, तो डिस्प्ले पर क्लिक करें, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 100% रिकमेंडेशन, तो आपको इसे 100% रहने देना है। और यहाँ पे लिखा हुआ डिस्प्ले रेजोल्यूशन, आपको इस पर करना है, और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर वाला कर देना है यहाँ पे, और चेक करना है कि सही से आ रहा है या नहीं। फिर आपको कीप चेंजेस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमारा फुल डिस्प्ले हो चुका है। अब यहाँ पे हम कोई और चीज़ ओपन करेंगे तो वो भी सही तरीके से ओपन होगा, पूरी डिस्प्ले तक आएगा। तो ऐसा आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।